अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला जागृति मंच ने निकाली विशाल रैली। रैली का जगह जगह हुआ स्वागत। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हुआ आयोजन। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सुबह 10 बजे पंची नगर में महिला जागृति मंच द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई। रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। इस रैली की शुरुआत सिंधु भवन से हुई। रैली पंची नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए सिटी स्क्वायर मॉल पर पहुंची, जहां पर महिलाओं द्वारा गीत संगीत प्रस्तुतियां दी गई। महिला जागृति मंच के अध्यक्ष पूजा तोलवानी ने बताया कि महिला कल्याण और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आयोजन किया गया और ये केवल पंचील में ही नहीं बल्कि पूरे अजमेर में अजमेर लेवल पर किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस संगठन से जोड़ा जाएगा। आज लगभग 150 महिलाओं ने इस रैली में भाग लेकर इस रैली को सफल बनाया, जिसमें सिंधु भवन पंचील और पंचील सिंधु समिति के अध्यक्ष राधा कृष्ण आहूजा का विशेष सहयोग रहा। आज 8 मार्च रविवार महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे पंचील की सभी बहनों ने मिलकर हमने एक रैली का आयोजन किया है। यह रैली हम सिंधु भवन की तरफ से और पंचील की सभी बहनों की सहयोग से निकाल रहे हैं और इस संगठन का महिला जागृति मंच का हमारा उद्देश्य है कि महिलाओं को संगठित करके उनके कामों की जानकारी सबको पहुँचाए और उनके कामों को उनका कैसे फ़ायदा मिले और घर घर तक उनका काम कैसे पहुँचे, इसके लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है संगठित करने का। हमने पहले ये शुरुआत सिंधी बहनों से की है। पंचील की सिंधी बहनों को हमने जोड़कर और सिंधु भवन की पंचायत भवन की तरफ से हमने एक उनके सहयोग से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसमें सभी संगठनों का हमें सहयोग रहा। महिला समिति पंचील, पंचील महिला समिति पंचील का, ब्राविया होटल का और होराइजन हिंद की तरफ से भी हमें बहुत सहयोग मिला और विशेष सहयोग हमारे श्री राधा किशन जी आहूजा पूज्य अध्यक्ष पूज्य सिंधु भवन पंचायत और उपाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी जिन्होंने हमें इतना सहयोग दिया, उनका सबके सहयोग से हमने आज ये रैली निकाली है और अपनी रैली को सफल बनाया है। हम अजमेर लेवल से आगे भी जाके काम करेंगे और सबके सहयोग से इस काम को आगे बढ़ाएंगे और सभी महिलाओं के कल्याण और उनकी जागृति के लिए हम आगे अलग अलग लेवल पे और अलग अलग समय पर कार्य करते रहेंगे। ये रैली पूज्य सिंधु भवन पंचील से होती, विभिन्न मार्गों से होती हुई आज यहाँ पर सिटी स्क्वायर मॉल तक रुकी है और आगे जाकर ये झलकारी बाई गार्डन पे समाप्त होगी, जहाँ पे हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और उसके बाद हम सब अपने अपने घर जाएंगे। यहाँ एक ये सिटी स्क्वायर मॉल पे हमने दो मिनट की एक लघु नाटिका का, जो हमारी बहनों ने खुद ही लिखा है और खुद ही रचा है, उसका अभी हम मंचन करेंगे और सबको यह जानकारी देंगे कि सिंधी भाषा को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे बहनों को संगठित किया जाए। मैं पूजा तोलवानी अध्यक्ष। आज सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हम सब बहनें एक साथ हैं और इन सब का क्रेय जाता है पूजा तोलवानी जो हमारी अध्यक्ष है। उन्होंने सबको बताया कि लेडीज़ की घर में जो रहती है वो कैसे बाहर निकले, कैसे घर में वो वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों वुमेंस के ऊपर उन्होंने अपना काम किया है, हमको एक किया है और इस डे पे हमको सबको एक प्रोत्साहित किया है कि हम कैसे अपना प्रोत्साहन दिखाएँ, सबको दिखाना है। हाँ, आज रैली निकली है हमारी महिलाओं के, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सबको, कि इस रैली में जितनी ज़्यादा बहनें जुड़ेंगी तो हम सबको लगेगा कि हम सब साथ हैं। कितनी महिला साथ में? आज हमारे साथ कम से कम 150 से ज़्यादा महिलाएं साथ में हैं। हमारे उद्देश्य यही है कि जो महिलाएं घर में रहती है
जो बाहर नहीं निकलती है उनको सबको आगे लाना है हमको, क्योंकि है ना सिंधी मोस्टली सिंधी लेडीज़ बहुत घर में रहती है, तो मेन हमारा मोटो यही है कि सिंधी लेडीज़ आगे आएँ, घर में ना बैठे, सब आगे रहें। आपका नाम? ज्योति थारवानी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस महिला दिवस के ऊपर पूर्व सिंधी पंचायत पंचशील की तरफ से एक महिला रैली निकाली गई। इस महिला रैली के अंदर सैकड़ों महिलाओं ने लेकर के भाग लिया। इसमें मुख्य मार्ग से होती हुई सीएससी मॉल से होते थे और जलकारी गार्डन पे जाकर के समाप्त होगी, और इसमें बढ़ चढ़ के सभी ने हिस्सा लिया। इसने पूरे पंचशील के महिलाओं ने सपोर्ट किया और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने आज ये रैली का आयोजन किया गया है, और आगे भी इसको उम्मीद करते हैं कि आगे इसको और अच्छी तरह से मनाने का प्रोग्राम रखेंगे। और आज जो ये पहली बार जो इसमें महिला प्रोग्राम रखा गया है और बहुत एक सराहना है महिलाओं को, मैं सभी बहनों को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ और सबको बधाई देना चाहता हूँ। शाम को आज पंछी महिला समिति के अंदर सेक्टर दो के अंदर 5 बजे विकास समिति का एक आयोजन रखा गया है। मैं निवेदन करूँगा आप सब मिल करके और इसमें प्रोग्राम में राधाकृष्ण आहूजा, पूर्व सिंधी पंचायत अध्यक्ष।